एक बार नहीं सोचा उसे ये सब पता चलेगा तो कैसा लगेगा? हमने उसे बात कर ली है और वो समझ जाएगा। This is just impossible. Like, just stop overreacting. इसमें क्या है जो ऐसा? It's impossible. How can you guys like Shekhar? Too bad, we already like him. अच्छा खासा बंदा है. I mean, he's well educated, mature है, काफी friendly भी है, and we totally feel कि Rave, he's totally into Rave. Yeah, हम दोनों ने पूरी की पूरी रात Shekhar के साथ में spend की है, और हमने ऐसा कुछ भी notice नहीं किया जिसे देख के ऐसा लगे कि वो Rave के लिए perfect नहीं है. अच्छा, तुम लोग Shekhar की guys. तुम लोग प्लीज शेखर की तारीफ बाद में करना। Right now, Rave is getting ready to go on a date with him, और हमें उसे रोकना है। Why you want to stop her? Let her be. Yeah, जाने दो ना। Mr. Khan, ताकि वो फिर से उसे hurt करे, Mr. Khan। Miss Sen वो उसे hurt नहीं करेगा। Just give him a chance. Exactly. Chance? To who? Sahir. साहिर ईशा से एक चांस मांग रहा था एक्चुअली सो। एक सेकंड, नो, मुझे किसी से चांस वांस नहीं चाहिए। एंड ईशा होती कौन है मुझे चांस देने वाली? ईशा, ईशा ने साहिर से चांस मांगा। ओ प्लीज, चांस मांगने से पहले आज ज्यादा डाय। सॉरी कंफ्यूजन, मिस्टर चांस मुझसे खान मांगे। कंफ्यूजन, मिस्टर खान मुझे एक चांस देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपनी राइटिंग स्किल्स यूज करके उनकी मूवी कैरेक्टर को बेटर करूं। सो नो, मिस्टर अगेन, आप फिर से मेरे कैरेक्टर के बारे में बोलो। आज आपके कैरेक्टर में ना चक्के जा, गाइस टेल मी हाउ एम आई लुकिंग। लेट्स सी, या न्यू शेड ऑफ लिपस्टिक। इजंट दिस ईशास ड्रेस? Yeah, it's Isha's dress. Thanks, babe. आज तेरी वजह से मैं अच्छी लग रही हूँ। Anytime. Okay, guys, wish me luck. Guys, okay, I know कि तुम लोग अभी भी Shekhar के बारे में doubtful हो, but trust me. I have this feeling, this uber cool feeling ki Shekhar badal gaya hai. I don't know. No, yes. Guys have lost it, yeah. Achha, anyway, Guru kahan hai? Busy hai. Uske Bhatinda brothers ke saath busy hai. Yeah. He's busy. He's so busy right now. Yeah, sir. See, Rave, hame tumse kuch baat karni hai. What? Agar tum Shekhar ko lekar serious ho, to high time ki ये चीज तुम गुरु को क्लियर कर दो। या तो समझाना मुश्किल होगा, लेकिन जितना जल्दी समझा दें उतना बेटर होगा। और क्या शेखर, ऑल मेरे नाम सा लिख के छोड़।
हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। So how is it, boys night out? It was fine. Fine. The thunder response. Boys night out should have been wild, crazy, fun. Batana, kya kya? What did you guys do? Kya baate ki? Did I say something? This hairstyle of yours just isn't working. You know, you look so drop dead gorgeous. Lekin itna sundar dikhne ke baad bhi not working. Why? What's not working? What's wrong with it? तुम अपने आप को हिप्पी क्यों दिखाना चाहती हो? Rev, you're a DJ. And with this hairstyle of yours, आपको कोई भी सीरियसली नहीं लेगा यार. Not even me for that matter. अब ठीक है? Yeah, whatever. बहुत भूख लगी यार. कुछ ऑर्डर करें? Yes, please. Yeah, so what should I order for you? I don't mind a dark. Okay, one second. मुझे पता है तुम क्या खाओगे. एक्सक्यूज मी वेटर, हाय, वी हैव टू पोर्शंस ऑफ सीजर सैलेड एंड नो फैट सॉसेस, राइट? शेखर, मैं बेड रेस्ट पे नहीं हूँ, मुझे सैलेड नहीं खाना. वी विल हैव सैलेड. मिस रेवती चौहान, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो. ओके, व्हाटएवर. Yeah, that'll be all. I want mayo sauce on the side. No mayo sauce. Thank you. It's unhealthy and it's fattening. Rev, aapko healthy khana khana chahiye. What is this mayo shit? Look, you've already put on weight. I just hope it's in the right place. Chupke kya baitha hai saale? बाहर आके अपने बाप से, और अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है ना, तो बाहर आके उसके दूध का कर्ज चुका. उसे ना वैसे क्यों देख रही है? छुपके क्या बैठा है साले? बाहर आके अपने बाप से, और अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है ना, तो बाहर आके उसके दूध का कर्ज चुका. सर दूध? आपने तो ग्रीन टी मंगाया सर. इसे यहाँ पर. थैंक यू. थैंक यू. मिस सेन, आप, व्हाट्स द मैटर? अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो कहिए ना. मिस्टर खान, आप यही डायलॉग्स बोलेंगे? हाँ मिस सेन, ये मेरी फिल्म पे डायलॉग्स हैं. आई हैव टू. व्हाई? ओके. Don't get me wrong, Mr. Khan, but आपको नहीं लगता ये डायलॉग्स बहुत ज़्यादा क्लीशेड हैं, like a typical 70s movie type? इसी ने कि एक्शन फिल्म और एक्शन फिल्म के डायलॉग ऐसे ही होते हैं. But still, I feel अगर आप इसे थोड़ा please, 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 listen to me, okay? जिया, I know आप बहुत ब्राइट हैं और इंटेलिजेंट भी हैं, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग. न्यूज पेपर की राइटिंग और फिल्म की राइटिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है. एंड प्लीज लीव इट टू द एक्सपर्ट्स, ओके? चुपके क्यों बैठा है यार तू? तू बाहर आके अपने बाप से मिल. अपने बाप से आके अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया, तो बाहर आकर उसके दूध का कर्ज चुका. तुझे क्या लगता है, तू मेरी एरिया में आएगा और बच के निकल जाएगा? कर्म भूमि मेरा आंगन, आंगन, आंगन. टेरेस मेरा ये नील गगन, गगन. ये पूरा दुनिया मेरा वतन, 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 वतन. माय नेम इज मुरुगन, 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 क्विक गन मुरुगन. क्विक गन मुरुगन. क्विक गन मुरुगन. We
गन रिवाइंड मैं गांधी भक्त हूँ तुझे मारूंगा नहीं राउत कुंदर लेके जाओ कुछ जेल में बंद करो और सजा के तौर पे इसको सिलाई मशीन दो टोकरिया बनवाओ इससे क्या हाँ गांधी जी ने कहा है कि खुद को बदलो पूरा संसार बदलेगा मैं संसार में बदलाव लाना चाहता हूँ इसलिए मैं मारपीट नहीं करूँ शिक्षा दूंगा टोकरिया बनवानी है जिससे तुम अच्छे इंसान बनोगे ठीक है और उसको अंदर लेके जाओ What a scene. Then क्या हुआ? Mr. Khan, बहुत अच्छा आइडिया है. Hear me out. बोलिए. Okay. ये जो आपका कारिन कॉप का कैरेक्टर है ना, Mr. Khan is very done to death यार. बहुत क्लीशे है. How about हम इसमें एक ट्विस्ट लाएं? इसे एक non-violent cop बनाते हैं जो लोगों को अपनी इंटेलिजेंस से मारता है. Maybe आपकी इमेज भी चेंज हो जाएगी और इतना क्लीशे. Wait. Hold on. Okay. Mission script और कैरेक्टर लॉक हो चुका है. मैं कोई भी चेंजेस नहीं ला सकता. अभी साहिर को बुलाने गई थी एंड ही सेड ही वोंट कम वो कहीं जा रहा है ऑन सम लॉन्ग ब्रेक व्हाट द हेल कहाँ है वो आई डोंट नो शायद निकल गया होगा साहिर साहिर हाउ डेयर यू व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू तुम ऐसे कैसे लिफ्ट पे जा सकते हो विदाउट एनी परमिशन तुम्हें पता है डांस कैरेक्टर शो शुरू होने वाला है परमिशन है के रिमेंबर अगर तुम नहीं होती तो मैं इस प्रोफेशनल मैटर में ड्रैग भी नहीं होता Whatever, Sahir. But अब ये एक professional commitment है, don't you get that? Enough, Isha, okay? नहीं होगा मुझे ये fake, stupid, fake commitment यार. I'm done with this fake commitment. I can't fake it anymore. नहीं मैं pretend कर सकता हूँ कि I'm okay with जो भी हमारे बीच सब चीजें normal है. I can't do that. I'm sorry, but मेरी personal life is affecting my professional life. Sahir, what is wrong with you? तुम इतने immature कैसे हो सकते हो? You know, मैं ऐसा ही हूँ. Immature, dishonest. Womanizer, sex maniac, और कोई adjective add करने? साहिर, मैं जानती हूँ हमारे बीच में कुछ normal नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम इसे अपने professional relationship में आने दें। Oh, relationship, you know? I hate this word. But साहिर, ये हमारे बारे में नहीं है, ये हमारे काम। ईशा, enough. मुझे नहीं तुमसे बात करनी है, नहीं तुम्हारे आसपास रहना है। मेरे पास नहीं time है, नहीं patience है for this to tolerate this. It's relationship business. I can't take it anymore. And you know, if it's not consuming, it's not love. I have been consumed. And you know what? I'm done with you, Isha Jaisi. लव बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और कंज्यूमिंग भी टेल मी समथिंग ये जो रेव और गुरु का सीन चल रहा है डू यू थिंक रेव को गुरु के साथ इतना फ्रेंडली रहना चाहिए स्टिल व्हाट बोल ना यार ऑफ कोर्स नॉट मुझे लगता है रेव को थोड़े टाइम के लिए गुरु को अकेले छोड़ देना चाहिए व्हाट यू डू रियलाइज नाइश कि तेरे और साहिर के रिलेशनशिप में यू आर रेव तू ना तो साहिर के साथ रह सकती है ना उसे जाने दे रही है टिपिकल रेव ओके टेल मी वन मोर थिंग तू साहिर से अपसेट है बिकॉज यू थिंक ही इज बीइंग अनप्रोफेशनल और वो तुझे बिना बताए जा रहा है
नो अगर तुम दोनों के बीच में कोई पर्सनल रिलेशनशिप है ही नहीं सो व्हाई यू एंग्री ईश उसके पास तो लीव के लिए ऑफिशियल लेटर है राइट बट ये कोई तरीका नहीं होता है राइट ईश यू हैव टू गिव साहिर अ चांस ओके ईश लिसन लुक हियर दिस टाइम तुझे साहिर को एक चांस देना पड़ेगा ओके क्योंकि सीरियसली इस टाइम साहिर की कोई गलती नहीं थी यार जी यू राइट इस बार साहिर की कोई गलती नहीं है ओह गॉड इस बार सारी गलती मेरी है या मैं बार बार उसे हर्ट करती जा रही हूँ गॉड व्हाट एम आई डूइंग व्हाई चिल बेब आई अग्री ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है इन अ रिलेशनशिप बट यू नो अगर मैंने कुछ सीखा है ना ईश आई हैव लर्न दैट लव थ्राइव्स इन कम्युनिकेशन बेब जा साहिर को कम्युनिकेट कर दैट यू लव हिम सब ठीक हो जाएगा आई लव यू ईशा जैसे या यू क्विट वी क्विट या वी ऑल क्विट यस आई लव यू ईशा जैसे जिया सही थी लव लिटरली कम्युनिकेशन पे सर्वाइव करता है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन बहुत जरूरी होती है टू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप बट कभी कभी कॉन्वर्सेशंस आपको ऑकवर्ड कर देती हैं और आप अपना हाथ स्पिल आउट नहीं कर पाते बट कोई भी गुड रोड इजी नहीं होती और ये ही टाइम था टू टेक अप दिस टफ रोड टू लव और साहिर के साथ सब कुछ क्लियर करने का क्या कर रही हो ईशा व्हाट इज रॉन्ग विद यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू सो मच प्लीज यहां से जाओ साहिर नहीं प्लीज यू हैव टू लिसन टू मी प्लीज आई नो मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है बट आई रियलाइज कि ये सब मेरी गलती थी प्लीज आज रियलाइज करियो कल वापस भूल जाओगी व्हाट अबाउट दैट नहीं साहिर ऐसा जस्ट स्टॉप ओके जस्ट स्टॉप मैं तुम्हारे इस आफ्टर थॉट से फेड अप हो चुका हूं यार आज हां कल ना हां ना मैं कोई मशीन नहीं हूं आई कांट स्विच ऑन एंड ऑफ अकॉर्डिंग टू योर व्हिम्स एंड फैंसीज साहिर ट्रस्ट मी इस बार ऐसा नहीं होगा नहीं होगा आई प्रॉमिस दिस वोंट हैपन आई विल नॉट ट्रस्ट यू ओके कैसे मैं तुम्हें ट्रस्ट करूं और कितनी बार करूं मैं तुम पर ट्रस्ट यू हैव ब्रोकन मी एंड माय ट्रस्ट ऑल द टाइम कैसे आई फील स्कैर्ड यू नो मुझे डर लगता है कि आज तुम हां बोलोगी और कल फिर मैं तुम्हारे लाइफ का पार्ट भी नहीं रहूंगा हाउ डू आई बिलीव यू नो आई मेड अ मिस्टेक आई नो आई विल मेक इट अप टू यू आई प्रॉमिस तुम्हें बहुत सिंपल लगता है ना ये पहले मिस्टेक्स करो यू हर्ट मी एंड देन जस्ट से सॉरी ईशा आई एम डन ओके आई एम डन मूविंग अराउंड इन सर्कल्स हैंगिंग इन द एयर नहीं यार नहीं होगा मुझसे यार जस्ट कांट डू इट साहिर इस बार मैं ओके देन मूव इन विद मी व्हाट यस यू हर्ड इट मेरे साथ मूव इन कर लो इसे एक और चांस दो कि दिस इज लास्ट चांस तुम मेरे सामने कंडीशन रख रहे हो